राजधानी दिल्ली में ठंड और कोहरे की डबल मार पड़ रही है। जी हां, आज दिल्ली में जमाने वाली ठंड है, घना कोहरा है जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पांच तस्वीरों देखिए किस तरह से विमानों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। कई विमान देरी से चल रहे हैं, कई कैंसिल कर दिए गए हैं और राजधानी में जगह जगह फॉग की वजह से ट्रैफिक भी सुस्त पड़ गया है। अलाव का लोग सहारा ले रहे हैं, जो रैन बसेरे हैं वो इस वक्त फुल है। वहां पर लोग काफी संख्या में रात को शेल्टर के लिए पहुंचते हैं। बारिश की आशंका भी आज मौसम विभाग ने जताई है। आपको बता दें कि 30 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं, कई उड़ानों को डाइवर्ट भी करना पड़ा है। ठंड इस वक्त राजधानी दिल्ली में पीक पर है। ठंड के सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर तुली दिल्ली नए साल के मौके पर मौसम की बड़ी मार झेल सकती है। कड़ाके की सर्दी के बीच 1 जनवरी को बारिश का अनुमान है। बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ सकते हैं। इन मुसीबतों के साथ ही तीसरी मुसीबत कोहरे की है, जिसने दिल्ली को फिलहाल अपनी गिरफ्त में ले रखा है। हवाओं की दिशा में थोड़ा परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया है। दिल्ली की हवाओं पर थोड़ा परिवर्तन है, उत्तर प्रदेश की हवा में जो पूर्वी हवा आनी शुरू हुई है, तो अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान दोनों में से अगले 2 से 3 दिनों में काफी सुधार होगा और जो कड़ाके की सर्दी है उसे थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। इस बीच मौसम विभाग की भविष्यवाणी ठंड से थोड़ी राहत की उम्मीद जगा रही है। हवाओं के रुख में बदलाव से दिल्ली से लेकर यूपी तक का मौसम बदलने वाला है। नए साल पर पहाड़ों पर जहां बर्फबारी और ओले पड़ने का अनुमान है, वहीं दिल्ली में हल्की बारिश होगी। इससे 1-2 दिन के लिए ही सही, लेकिन तापमान थोड़ा बढ़ सकता है। जबरदस्त कोहरे के बीच में जो ISBT बस अड्डा है वो पूरी तरह से डूब गया है। आप साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से आपको दूर दूर तक ये नज़र नहीं आएगा कि आखिर कहां से बस पकड़ें और कहां पर जाएं। और आप देख सकते हैं कि इस ठिठुरती हुई ठंड में तमाम सवारियां किस तरह से अपने अपने गंतव्य तक जाने के लिए बसों का इंतज़ार कर रही हैं। और साफ तौर पर ये कुछ लोग देख सकते हैं, कहां से आए? राजस्थान से। बस से यहां पर उतरे? जी सर। अब कहां जाना है? बिहार। बिहार जाना है जी सर। ठंड तो बहुत है जी सर, ज्यादा ठंड है, बहुत ठंड लग रहा है सर। ठंड तो काफी पड़ रही है, कोहरा भी ज्यादा हो रहा है, क्या किया जाए। कोहरा इतना हो रहा है, नजर कुछ नहीं आ रहा है। केजरीवाल साहब से कहेंगे लकड़ी लुकड़ी डलवाएंगे। ऑटो चलाने भी परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा। बहुत सर्दी सर, बहुत परेशान हो रहे। इस राहत की वजह से ठंड को लेकर जो रेड अलर्ट जारी किया गया था उसे बदलकर ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि जमीन पर यह मामूली राहत महसूस नहीं की जा रही है। यहाँ अगर हम खड़े होते हैं अमूमन दिन में तो साफ तौर पर इंडिया गेट दिखाई देता है, लेकिन जरा दूर तक आप नजर दौड़ाइए, सिर्फ और सिर्फ आपको कोहरे की सफेद चादर दिखाई देगी और सिर्फ कोहरा ही दिखाई देगा। और इस भयंकर कोहरे के बीच में कपा देने वाली ठंड जो है वो लगातार जारी है। लिहाजा हम देख सकते हैं कि किस तरह से आम लोगों को खासी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस बार दिसंबर की सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। 119 साल बाद ये सबसे ठंडा दिसंबर महीना रहा है। वहीं पिछले कुछ दिनों के लिए दिल्ली के तापमान पर नजर डालें तो उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। शनिवार को दिल्ली ने 1.7 डिग्री के साथ दशकों का रिकॉर्ड तोड़ा, तो रविवार की सुबह भी दिल्ली के आया नगर में तापमान 2.5 डिग्री दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड और शीतलहर का ये प्रकोप जनवरी के दूसरे हफ्ते तक जारी रहने का अनुमान है। प्रशस्ति शांडिल्य के साथ रामकिंकर सिंह, दिल्ली आज तक। हमारे तमाम संवाददाता देश के अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे। प्रशस्ति शांडिल्य हमारे संवाददाता इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ गई है। साथ ही हमारे संवाददाता लखनऊ से कुमार अभिषेक हमारे साथ है, जयपुर से हमारे संवाददाता शरद कुमार हैं और पटना से हमारे संवाददाता रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रशस्ति आपका रुख करते हुए, प्रशस्ति ये बताइए कि जिस तरह से सर्दी का सितम इस वक्त दिल्ली में पड़ रहा है, दिल्ली में सबसे ज्यादा कोहरे की मार है, जहां पर आप खड़ी हैं वहां पर कैसा दृश्य है? किस तरह से वहां पर इस वक्त विजिबिलिटी लो दिखाई दे रही है? जी
बिल्कुल नेहा, यहाँ पर स्थिति बेहद गंभीर है। अक्षरधाम पर इस वक्त हम खड़े हैं और अमूमन यहाँ से जब हम खड़े होते हैं तो अक्षरधाम हमें जरूर नजर आ जाता है, लेकिन आज यहाँ पर इस कदर विजिबिलिटी इतनी कम है कि यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। जीरो विजिबिलिटी पालम पर पहुंच गई है। आज का न्यूनतम तापमान 2.6 सफदरजंग पर पहुंच गया है। यहाँ पर ठंड और कोहरे का सितम लगातार जारी है। नेहा, स्थिति बेहद खराब है, बाहर निकलना मुहाल हो गया है। यहाँ पर तमाम जो वाहन आप देख रहे हैं, सुबह के 9 बज गए हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी वाहन चालक है वो गाड़ी के हेडलाइट्स के साथ हाई बीम पर गाड़ी चलाकर निकल रहे हैं। काफी अनसेफ ड्राइविंग इस वक्त राजधानी में स्थिति बन चुकी है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और अक्षरधाम पर तो बेहद विजिबिलिटी लो है ही। साथ ही साथ एनसीआर में भी सर्दी का पूरा पूरा असर देखा जा रहा है। नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत तमाम जो एनसीआर टाउन्स है वो भी भारी कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग के द्वारा जो बुलेटिन जारी किया गया है नेहा, उसमें कहा गया है कि विजिबिलिटी 0 मीटर पालम पर पहुंच गई है, तो स्थिति बेहद गंभीर राजधानी में बनी हुई है। हालांकि आशा जताई जा रही है कि 1 से 3 जनवरी तक आपके पास लौट रही है। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, जहां पर आप खड़े हैं वहां पर क्या हाल है? नहीं, आपको बताना चाहूंगा इस वक्त हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर खड़े हैं, डीएनडी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन यहां पर कोहरा, ये देखिए, बिल्कुल भी जो विजिबिलिटी है लगभग जीरो हो चुकी है और गाड़ियां काफी स्लो रफ्तार से जा रही है। इसके साथ ही आपको दिखाना चाहूंगा कि जो गाड़ियां आ रही हैं वो बाकायदा हेडलाइट जला करके चलने के लिए इस वक्त मजबूर है। सारी गाड़ियां हेडलाइट जला करके चल रही हैं, रफ्तार लगभग थम सी गई है। 2.6 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर सफदरजंग में रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा है, विजिबिलिटी लगभग 10 मीटर तक है और हाईवे पर, यानी कि जो हाईवे आते हैं दिल्ली की तरफ, उसमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। गाड़ियां रुक रुक करके चल रही हैं और मौसम विभाग का कहना है कि आज दिन में बारिश भी होगी। 3 बजे तक इसी तरह से घना कोहरा छाया रहेगा, लेकिन 3 बजे के बाद हल्की धूप निकलने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले बारिश की पूरी आशंका, यानी कि बारिश दिल्ली और एनसीआर में हो सकती है, जिससे कोहरा तो छट सकता है, लेकिन उसे नजर बनाए रखिए, बेहद सतर्क रहने की जरूरत है इस कोहरे की मार में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अपने दफ्तर तक जा रहे हैं। ईशा गुप्ता हमारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। ईशा, बताएं हाल। नेहा, हम इस वक्त आश्रम पर मौजूद हैं और यहाँ पर स्थिति कितनी गंभीर है ये मैं आपको तस्वीरों के जरिए बताना चाहूंगी। यहाँ आप देखिए विजिबिलिटी इतनी ज्यादा कम हो गई है कि सामने 50 मीटर के बाद आपको नजर नहीं आएगा कि सड़क दरअसल कहाँ जा रही है। वो सिर्फ गाड़ियों के हेडलाइट्स की वजह से मुझे पता चल रहा है कि सीधी राइट तरफ सड़क जा रही है, वरना मैं नहीं बता सकती यहाँ से देखकर कि सड़क एक्चुअली किस ओर जा रही है। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है। जैसा कि हमारे बाकी मेरे सहयोगियों ने बताया, आज का तापमान 2.6 डिग्री हो रहा है। सबसे कम तापमान इस वक्त हमने शनिवार को देखा था, 2.4 डिग्री। और इसके साथ दुख की बात यह है कि मौसम विभाग ने कहा है कि आगे आने वाले दिनों में बरसात भी होगी, ओले भी गिरेंगे, नए साल के दिन, ये मौसम विभाग ने कहा था। जिसके बाद हालांकि जब बरसात होगी, क्योंकि हवाओं की दिशाओं में बदलाव हुआ है इसलिए तापमान बढ़ेगा, लेकिन बरसात और ओले गिरने की वजह से तापमान एक बार फिर से गिरेगा। तस्वीरें मैं आपको जरूर यहाँ पर वापस दिखाना चाहूंगी। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं 50 मीटर के बाद विजिबिलिटी बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, इस कदर विजिबिलिटी खराब हो गई है। कोहरे की मोटी चादर का अनुमान मौसम विभाग ने पहले ही जताया था, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर आज हमें कोहरे की मोटी चादर, उसके ऊपर आज बारिश भी हो सकती है, यानी कि डबल मार मौसम की पड़ सकती है। लेकिन अगर मैदानी इलाकों का ये हाल है तो कल्पना कीजिए कि पहाड़ों का इस वक्त क्या हाल होगा। देखिए इस रिपोर्ट में पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाके कांप रहे हैं। इन सब के बीच कई हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। उत्तराखंड से ही एक और चौंकाने वाली तस्वीर बद्रीनाथ से आई है। यहां ग्लेशियर टूटा और बर्फ का दरिया बनकर बहने लगा। पागल नाले के पास ग्लेशियर टूटने के बाद बह रहा बर्फीला सैलाब मोबाइल कैमरे में कैद हो गया। ये वीडियो 17 दिसंबर का बताया जा रहा है, जो अब सामने आया है। दरअसल 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक यहां जबरदस्त बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद रास्ता बंद हो गया था। बीआरओ के जवानों ने बद्रीनाथ मार्ग खोलने का काम शुरू किया। इस दौरान बद्रीनाथ NH 58 पर पागल नाले के पास एक ग्लेशियर टूटकर पहाड़ के नीचे आया,
और सैलाब की शक्ल में भारी मात्रा में बर्फ लेकर बहने लगा। गनीमत रही कि कोई इस हिमस्खलन की चपेट में नहीं आया। बीआरओ के जवानों ने हौसला दिखाया और बद्रीनाथ से जोशीमठ के रास्ते को खोल दिया। कश्मीर घाटी में भी पारा माइनस में ही चल रहा है। जमा देने वाली सर्दी के चलते दुनिया भर में मशहूर श्रीनगर की डल झील जमने लगी है। बीती रात यहां का तापमान -6.2 डिग्री दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड से डल झील का दक्षिणी हिस्सा काफी हद तक जम गया है। यहां ज्यादातर लोग रहते हैं। कश्मीर घाटी में 31 दिसंबर के बाद ठंड लगातार बढ़ रही है। भयंकर सर्दी के 40 दिनों को यहां चिल्लई कलां कहा जाता है। चिल्लई कलां की शुरुआत 21 दिसंबर से हो चुकी है। कश्मीर में बीते दो दिन से सूरज तो निकल रहा है, लेकिन उसमें उतनी ताकत नहीं है ताकि ठंड से लोगों को कुछ राहत दे। कश्मीर में लगातार पारा जो है रात के भीतर -4 से -5 तक पहुंच रहा है। श्रीनगर की बात करें तो बीती रात श्रीनगर का तापमान -4 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि घाटी के दूसरे इलाकों में तापमान में और भी गिरावट आई है। फिलहाल कश्मीर में लोग ठंड से ठुठर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इस मौसम में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही मौसम है जो कश्मीर की पहचान है। लद्दाख के लेह में तापमान -21 डिग्री तक गिर गया। यहां बहने वाली नदी जमने लगी, किनारों पर पानी बर्फ बन गया, मगर माइनस डिग्री के टॉर्चर से लद्दाखियों का जोश कम नहीं हुआ। लेह में रविवार को लोसार यानी लद्दाखी नया साल मनाया गया। इस दौरान लेह में रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ। चमोली में कमल नयन सिलोड़ी के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि कितनी ज्यादा ठंड लोगों को परेशान कर रही है। अब आपको दिखाते हैं हैरान करने वाली एक तस्वीर। पहाड़ जमे हुए हैं, चमोली में बर्फ ही बर्फ है, लेकिन इस बर्फ के बीच एक ऐसा कुंड है जहां से खौलता हुआ पानी निकलता है। ये दोनों तस्वीरें दो इलाकों की नहीं है, दोनों साथ साथ ही है। एक ओर बर्फ है, वहीं दूसरी ओर खौलता कुंड है। कुदरत की अनोखी तस्वीर उत्तराखंड के जोशीमठ की है, जहां इस वक्त तापमान माइनस में है। पूरे इलाके में बर्फ ही बर्फ है, ठंड इतनी है कि हड्डी तक कांप जाए। और इसी जमा देने वाली ठंड के बीच यहां एक कुंड भी है जहां पानी उबलता रहता है। तपोवन के इस खौलते कुंड को देखने के लिए सैलानियों की भीड़ लग जाती है, जहां जमीन के अंदर से गर्म पानी निकलता है। पानी इतना गर्म होता है कि पल भर में चावल पक जाए, अंडे उबल जाए। कुछ सैलानी कपड़े में अंडे बांधकर उबलते पानी में डालकर इसकी तहकीकात में भी लग जाते हैं। बेहतरीन, ये दूध बीच में बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब आप देखिए, इसको खोलिए, खोलिए इसमें। अभी यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है तब भी इतना पानी गर्म और वेरी शॉकिंग। महज 5-10 मिनट की दूरी पे आपको 6-7 फीट की बर्फ मिलती है, तो एक अजीब सा, एक बेहद खूबसूरत नजारा और आश्चर्यचकित करने वाला नजारा है। तो यहाँ पे देखा है हॉट वाटर स्प्रिंग, काफी अच्छा है यहाँ पे, मतलब एक ऐसा हॉट वाटर स्प्रिंग मणिकरण साइड में भी है। यहाँ पे आगे देखा है दूसरी बार, तो काफी अच्छा लगा। यहाँ पे -7 डिग्री तापमान में बर्फ के बीच गर्म पानी कुंड लोगों को हैरान कर रहा है। ये हर किसी के लिए रहस्य बना हुआ है कि आखिर ये हो रहा है तो कैसे। कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ आज तक। जोशीमठ की तस्वीर आपने देखी, लेकिन आपको जम्मू कश्मीर के बनिहाल ले चलते हैं, जहां पर इस वक्त बर्फ ही बर्फ, सफेद बर्फ की चादर, और उसके बीच एक तरह से थम गई है जिंदगी। हालांकि वहां से बर्फ हटाने की कोशिशें जारी हैं, और इस तरह का नजारा हर साल लगभग इसी महीने में हम जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से देखते हैं, लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा और बर्फ की कटाई मशीन से की जा रही है ताकि रास्ते को साफ किया जा सके, लोगों की आवाजाही में दिक्कत ना हो। हालांकि इस मोमेंट को कैमरे में भी कैद करते हुए कई पर्यटक।
तो हमारे तमाम संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे अब पटना का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रोहित वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, दिल्ली जैसा ही हाल है पटना में या कुछ बेहतर है? देखिए, अगर राजधानी पटना की बात करें तो हालात कुछ बेहतर है क्योंकि यहाँ पर कुहासा जो है वो नहीं छाया हुआ है। हालांकि आप पटना के बाहर जाएंगे तो आपको आउटस्कर्ट्स में जो है वो कुहासा से सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है बिहार में, यानी कि आज और कल 48 घंटे के लिए एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का जो है पूर्वानुमान है मौसम विभाग का, और नए साल पर बारिश का भी अनुमान है, यानी 1 और 2 तारीख को बिहार में हल्की बारिश भी हो सकती है, इस तरीके का अनुमान है। और इसी के बीच आज का न्यूनतम तापमान जो था वो 6 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया। तो कहीं ना कहीं जैसी दिल्ली की हालत है उसी तरीके से राजधानी पटना में भी और बिहार के अन्य इलाकों में भी लोग जो है वो ठंड का टॉर्चर झेल रहे हैं। ठीक है रोहित, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे तमाम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच लखनऊ का अब रुख करना होगा। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता लगातार वहां से बने हुए हैं। कुमार, ये बताया जा रहा है कि लखनऊ में भी ठंड काफी है, क्या चल रहा है वहां पर तापमान और वहां पर भी क्या कोहरे की मार है? नेहा, देखिए ठंड का जो की जो हालत है बेहद खराब है इस वक्त लखनऊ में। लोगों ने पिछले कई दशकों में ऐसा ठंड नहीं देखा था। हम इस वक्त जो मुख्य इलाका है मुख्यमंत्री आवास के आसपास मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे लोग अलाव ताप रहे हैं और बकायदा जो ठंड की हालत ये है कि 4 डिग्री के आसपास यहाँ का तापमान है। कानपुर का सबसे ज्यादा इफेक्टेड माना जा रहा है, लगभग 60 से 70 लोगों की मौत आंकड़ों के हिसाब से बताई जा रही है इस ठंड की वजह से। लोग भी यहाँ मौजूद है, ये बताइए आप लोग कि इस बार क्या कई सालों से ज्यादा ठंड पड़ी है? 12 सालों के बाद आपकी ठंड ज्यादा ही पड़ रही है, अब हमको लगता है आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा मामला, आगे भी रहेगा। ये बताइए कितने सालों के बाद ऐसी ठंड देखी आपने? 10-15 साल तो हो गया है। तो ये अलाव जगह जगह ऐसी ऐसे अलाव की व्यवस्था जरूर की गई है पूरे शहर में ताकि जो लोग बाहर में काम करते हैं जैसे पुलिस वाले हों या फिर चाय के दुकानों के आसपास लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन इस बार ठंड बहुत ही ज्यादा है। 4 डिग्री के आसपास ये तापमान जो न्यूनतम है वो रुका हुआ है, लेकिन कुहासे की मार कम है। हम आपको दूसरे तरफ का इलाका दिखाते हैं, तकरीबन 100 मीटर की दूरी तक आप देख सकती हैं कि इस वक्त जो है वो कुहासा शहर में कम है लेकिन शहर के बाहर ये कुहासा ज्यादा है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस बार कई सालों के बाद लोगों ने ऐसी ठंड लखनऊ में देखी। ठीक है, नजर बनाए रखिए। कुमार अभिषेक बता रहे थे किस तरह से लखनऊ में इस वक्त ठंड की मार पड़ रही है, लेकिन बीती रात दिल्ली कांपती रही, ठंड का असर हर जगह दिखाई दिया। आज तक संवाददाता राम किंकर सिंह रात में घूमकर दिल्ली का हालात का जायजा लेते हुए दिखाई दिए, ये रिपोर्ट उनकी देखिए। इस वक्त जो समय हो रहा है वो 3:24 हो रहा है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति है। 8 डिग्री सेल्सियस जो तापमान बता रहा है, क्लाउडी स्काई है, यानी कि जो है बादल रहेंगे और मौसम विभाग का पूर्वानुमान यही है कि जो आने वाला वक्त है वो और ज़्यादा लोगों को कपाएगा। और इस वक्त कोहरे की स्थिति आप साफ तौर पर देख सकते हैं, दूर दूर तक कहीं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त मैं नई दिल्ली के इलाके में हूँ, लेकिन ये इलाका कौन सा है मुझे खुद नहीं पता। और अगर मैं आगे की तरफ बढ़ता जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि धीरे 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 जो है मुझे चीज़ें साफ होती हैं। अगर कोई गाड़ी भी जा रही है तो ये जो आप स्ट्रिप्स देख रहे हैं, काली और पीली पट्टियाँ देख रही हैं, इसी के ज़रिए धीरे धीरे करके हमारी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ पा रही है। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं किस तरह से कोहरे का कहर भी है और इसकी वजह से न केवल कई ट्रेनें लेट हो गई बल्कि कई फ्लाइट भी कैंसिल हुई। और साफ तौर पर आप देखिए कि किस तरह से ये जो कोहरा है, मौसम विभाग का पूर्वानुमान यही है कि आने वाले वक्त में कुछ इसी तरह का मौसम रहेगा। दस्त कोहरे के बीच में जो ISBT बस अड्डा है वो पूरी तरह से डूब गया है। आप साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से आपको दूर दूर तक ये नज़र नहीं आएगा कि आखिर कहां से बस पकड़ें और कहां पर जाएं। और आप देख सकते हैं कि इस ठिठुरती हुई ठंड में तमाम सवारियां किस तरह से अपने अपने गंतव्य तक जाने के लिए बसों का इंतज़ार कर रही हैं। और साफ तौर पर ये कुछ लोग देख सकते हैं, कहां से आए? राजस्थान से। बस से यहां पर उतरे? जी सर। अब कहां जाना है? बिहार। बिहार जाना है? जी सर। ठंड तो बहुत है? जी सर, ज़्यादा ठंड है, बहुत ठंड लग रहा है सर। कैसे अपने आप को बचा पा रहे हैं? चादर ओढ़े हुए हैं सर, जैकेट अंदर में पहने हुए हैं, क्या करेंगे सर, किसी तरीका से। कहाँ से आए? यहीं से आए, दिल्ली से। अच्छा,
ठंड से कैसे बचाव कर रहे हैं? ठंड तो होगी, चद्दर ओढ़ रखी, ठंड तो होगी, अपनी होगी कब होगी? ठंड तो काफी पड़ रही है, कोहरा भी ज्यादा हो रहा है, क्या किया जाए? नजर नहीं आ रहा कुछ भी, कोहरा इतना हो रहा, नजर कुछ नहीं आ रहा। दिल्ली पुलिस कैसे तैनात रही, कैसे मोर्चे पर जमी रही, आज तक संवाददाता रामकिंकर सिंह ने दिल्ली में हालात का जायजा लिया। ठंड चाहे कितने भी सितम ढाले, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी पर लगातार मुस्तैद है। आपको साफ तौर पर दिखाएं कि आरके आश्रम का ये पॉइंट है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीसीआर के हथियारबंद जवान यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार दिल्ली वालों की सुरक्षा में। और आप देख सकते हैं कि इनके बदन पर रिफ्लेक्टर है, दूर से ही देखा जा सकता है। एक शख्स अंदर बैठे हुए हैं जो बाकायदा जो भी कॉल्स आती हैं, जितनी भी कॉल्स आती हैं उसको बाकायदा लिखा जा रहा है, उसकी एंट्री की जा रही है। और साफ तौर पर आपको बताएं कि आरके आश्रम के इस इलाके में लगातार इसी पॉइंट पर जो पीसीआर है वो बनी रहती हैं। और आप देख सकते हैं, सर शुभ नाम बताएंगे? एसआई ब्रजपाल सिंह। अच्छा, एसआई ब्रजपाल सिंह जी हैं। सर बहुत ज़्यादा ठंड है, कैसे, आपकी उम्र भी हो गई है? कोई बात नहीं जी, ड्यूटी करनी है, ये तो ड्यूटी बहुत ज़रूरी है और कोई नहीं है, ऐसा तो ये ड्यूटी है, ड्यूटी का पार्ट है, ये तो सेवा करनी है। इतनी ठंड में बचाव कैसे करते हैं आप लोग? बचाव तो सर, बचाव तो कपड़े करते हैं, पहन रखे हैं। अच्छा, तो चाय मिलती है, चाय या चाय कुछ और पुलिस की तरफ से कुछ मिलता है? ऑफिशियली चाय आती है सर, हमारे पीसीआर की गाड़ी आती है, बिस्कुट भी आते हैं सर। तो ड्यूटी कब से कब तक रहती है? 8 से 8, 12 घंटे। अच्छा, 12 घंटे की ड्यूटी है, फिर उसके बाद रेस्ट भी होता है? 12 के बाद 24 का रेस्ट होता है। ठंड में तो काफ़ी दिक्कत होती होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल बढ़िया तरीका से ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि कॉल्स कैसी होती हैं ठंड में, क्या कॉल्स कम हो जाती हैं, पीसीआर कॉल्स या इमरजेंसी कॉल्स की अगर हम बात करें तो? नहीं, कॉल तो आती ही रहती हैं जी, और जो विद इन टाइम उनको अटेंड करते हैं बिल्कुल टाइम से। तो आपने देखा कि किस तरह से लगातार हमारे जवान हमारी और आपकी सुरक्षा में यहाँ पर जमे हुए हैं। और आपको बताएं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है, वहाँ पर भी रात के वक्त दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद रहते हैं। हमारे संवाददाता शरद कुमार इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, जयपुर में क्या है ठंड का हाल? नेहा, अभी तक जितनी जगह आपने बताई है मैदानी इलाकों का, सबसे बुरा हाल जयपुर का है। बीती रात तापमान जो है 1.6 डिग्री रहा और जयपुर जिले में माइनस में जोबनेर में तापमान -1.4 डिग्री रहा। यह सूरज देवता को जो देख रहे हैं आप, ये बेमानी है, नस्तर से चुभ रही हवाएं आप देख सकते हैं किस तरह से। यहाँ पर 9:30 के आसपास का वक्त होने जा रहा है, लेकिन लोग जो है अलाव जलाकर यहाँ पर अपना गुजारा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है जयपुर में तो? जी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और इस कड़ाके की सर्दी ने व्यक्ति की दिनचर्या को में बदलाव ला दिया है। जो 5:30 बजे वॉक के लिए जाते थे उनको 9 बजे करीब वॉक के लिए आना पड़ा है। जो सोने के लिए 9:30-10 बजे सोते थे उनको 6 बजे बिस्तरों में जाना पड़ता है। तो ये बहुत कड़ाके की सर्दी और 55 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये 55 साल का रिकॉर्ड टूटा है यहाँ पर जयपुर में बीती रात। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, आप बताइए कि ये ठंड में किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? यहाँ तो काफ़ी हालत ख़राब है। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आँखों में पानी, नाक से पानी बह रहा है, सर्दी के चक्कर में आग ताक के अब तला वो कर रहे जा रहा है। बात ये आपकी गाड़ी पर, ये गाड़ी वाले आपकी गाड़ी पर बर्फ जमी हुई थी? हाँ जी, बर्फ जम गई सब। बिल्कुल नया इस तरह की हालत है। जब सुबह मैं भी घर से बाहर निकला तो जो गाड़ी थी उस पे एक बर्फ की चादर जमी हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि जो रेगिस्तान है वो बर्फिस्तान में तब्दील हो गया है। माउंट आवे में तो -3 तापमान रहा है। इसी तरह से अगर चूरू की बात करें, चूरू इलाके में कई जगहों पर तापमान माइनस में है, तो राजस्थान के करीब 9 जिलों में तापमान 1 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिसमें से 4 जिलों में तापमान माइनस में। जयपुर में काफी हालात बुरे हैं, लेकिन प्रशस्ति मौसम विभाग दिल्ली के लिए क्या कह रहा है? क्या सूरज देवता के दर्शन होंगे या फिर इसी तरह से आज मौसम की आंख मिचौली जारी रहेगी और बारिश के भी आसार बताए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल नेहा, अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग का ये कहना है कि 1 से 3 जनवरी में दिल्ली में बारिश की संभावना है। हालांकि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के पैसेज की वजह से राजधानी में आज धूप के दर्शन मुश्किल से ही हो पाएंगे। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तो आज जो ये कोहरे की स्थिति है ये लगातार हम देख सकते हैं कि 12 से 1 बजे तक बनी रहेगी, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि जब पश्चिमी विक्षोभ का पैसेज होता है तब धूप जो है उसके दर्शन कम हो जाते हैं, आंशिक रूप से बादल छाए रहते हैं। हालांकि तापमान में मामूली वृद्धि दर्ज की जाती है, लेकिन ये जो वृद्धि दर्ज की जाएगी ये कुछ दशमलव ही होगी, तो हालांकि तापमान पर इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा धूप के ऊपर कि आज धूप दिल्ली में नहीं रहेगी। और इसी तरीके से जो जीरो विजिबिलिटी हो गई है पालम, यानी कि जो डेंस फॉग कंडीशंस प्रिवेल कर रही है राजधानी में, शायद आज वो स्थिति लगभग पूरी तरीके से बनी रह सकती है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशस्ति इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते इसी तरह का मौसम दिल्ली में आज देखने को मिलेगा, जब सूर्य देवता के दर्शन तो नहीं होंगे, ठंड में स्कूल जाना मुहाल हो गया। हालांकि ज्यादातर स्कूलों को बंद कर दिया गया है, प्रशासन की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन चारों तरफ कोहरे की मार है, विजिबिलिटी बहुत ही कम है। और अगर आप सड़क पर हैं तो ध्यान से सफर कीजिएगा, ड्राइव कीजिएगा। तो बिना ब्रेक के 9 बज गए के सफर में लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की, जहां के थाना दनकौर के खेरी नहर में रविवार की रात उस समय बड़ा हादसा हो गया, जब 11 लोग एक कार में सवार थे, संभल से दिल्ली जा रहे थे, तभी घने कोहरे के चलते दिखाई नहीं देने पर ये कार नहर में जा गिरी। सूचना मिलते ही गांव वासियों के साथ पुलिसकर्मियों ने 11 को बाहर निकाला, 6 की मौत हो गई है, 5 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। तस्वीरें देखिए, कार की हालत देखिए, नहर में कार गिर गई, कोहरे की वजह से लो विजिबिलिटी थी जिसकी वजह से कार को सड़क नहीं दिखाई दी, और इस कार में 11 लोग सवार थे जिसमें 6 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में। सावधानी से ड्राइव कीजिए, एहतियात से ड्राइव कीजिए, कम स्पीड पर चलिए, गाड़ी का डिपर ऑन रखिए, ये तमाम वो चीजें हैं जो इस वक्त की जा सकती हैं अगर आप एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं। दिल्ली से आ रहा था ये परिवार, 5 लोग घायल हैं, 6 लोगों की मौत हो गई। सरकार में कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है, ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार डिप्टी सीएम बन सकते हैं, वहीं आदित्य ठाकरे को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। कयास पहले जब मंत्रिमंडल का गठन किया गया था तब भी लगाए जा रहे थे, आज एक बार फिर जब विस्तार किया जा रहा है तो भी कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अजीत पवार को डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की ये कि आदित्य ठाकरे वर्ली से चुनाव लड़े थे, वहां से जीत हासिल की थी, 36 मंत्रियों के शपथ लेने के आज आसार हैं जिसमें आदित्य ठाकरे भी शामिल हो सकते हैं। साहिल जोशी हमारे संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, बड़ी खबर ये, बड़ी बात ये कि आदित्य ठाकरे को मंत्री पद दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, आदित्य ठाकरे का नाम जो गवर्नर हाउस पर लिस्ट भेजी गई है शिवसेना की तरफ से, जो मंत्री आज शपथ लेंगे उसमें आदित्य ठाकरे का नाम भी शामिल है। शिवसेना के कुल 15 मंत्री जिस होंगे जिसमें मुख्यमंत्री का पद भी शामिल है, तो कुल 14 मंत्री शिवसेना के इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उसमें आदित्य ठाकरे मुंबई से कैबिनेट मंत्री बनेंगे। शिवसेना की तरफ से जो लिस्ट भेजी गई है आज, आज शिवसेना की तरफ से कुल 12 लोग शपथ लेंगे, 12 विधायक शपथ लेंगे, जिसमें 9 कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे और बाकी राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लिया जाएगा, जिसमें आदित्य ठाकरे का नाम शामिल किया गया है। तो मुख्यमंत्री होते हुए उनके मंत्रिमंडल में उनके बेटे और शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे भी मंत्री बनने जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे वर्ली से विधायक हैं मुंबई से, और वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे नहीं होंगे इसको लेकर काफी बहस चल रही थी। मुंबई से कई शिवसेना के विधायकों की कोशिश थी कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो, लेकिन आखिरकार शिवसेना ने तय किया है कि आदित्य ठाकरे को ही यहाँ पर भेजा जाए। मुंबई शिवसेना के लिए काफी अहमियत रखती है और 2 साल के भीतर मुंबई महानगर पालिका के भी चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसके चलते आदित्य ठाकरे का मंत्रिमंडल में शामिल होना ये शिवसेना की तरफ से। तमाम जानकारी के लिए आपका